आज यहाँ पर दो दो मुर्गे और वो है मुर्गे जो भाई कल तुम लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, कल क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से भाई यूट्यूब ने मेरे वीडियो डिलीट कर दिया। यहाँ पर एक को यहाँ पर बंद कर दिया था, और चुप कर जा तू तो, इसको मैंने यहाँ बंद किया था। भाई ये क्या कर रहा था, दरवाजा खुद ही खोल के बाहर आई जा रहा था। वो देखो, इसको करना नहीं है किसी को खाना। वो देखो अब इनका क्या करूं, एक यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दी, अब इसमें मेरी क्या गलती है यार। इरादा तो है हमारा डक लेने का, ये बाकी इनको देख लो। ये हट कर लो, अंदर चलो। इन्होंने मुझे बोलने नहीं देना, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो वाली मुर्गियाँ निकाल लेते हैं और इसके सील वाले के साथ छोड़ देंगे ताकि दाना पानी खा लें, वो देसी वाले को बाद में निकाल देंगे, क्योंकि भाई अगर दोनों मुर्गों को इकट्ठा निकाल दिया तो भाई एक आदाज मर जा रहा है। मुर्गा पहले आ रहा है, पीछे तो मुर्गे। चलो चलो मुर्गियों, तुम लोग बाहर आ जाओ। वो उनके नीचे छुप रहा है। चलो दोस्तों, इन सबको तो बाहर निकाल दिया, अब सील वाले को भी निकाल देते हैं। ये लो वो भी निकल के, अब दिखाता हूँ आपको क्या सूरत हाल इनकी। करना नहीं है किसी को खाना। वो देखो अब इनका क्या करूँ, एक यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दी, अब इसमें मेरी क्या गलती है यार। पिछड़ जाओ, इधर आ जाओ मुन्नू, इधर आ जा तू, चल जा बच्चे, चल इधर आ तू, लग दाना पानी खाओ, चलो दाना पानी खाओ। वो देखो खाओ 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 ना किसी एक को गया, तो भाई उसको मैंने बोला भी था समीर को के ले जा, तुम इनके हाल, मैंने उसको बोला भी था ले जा, लेकिन वो कह रहा था भाई रख लो इसको, और फिर वो कहीं चले गए, और यहाँ पर इसने मुझे दलील किया हुआ है। वो देखो इसका अभी पानी के, अभी तुझे ठंडा कर देता हूँ, तेरे अंदर जो गर्मी चढ़ी हुई ना, मजा आया, सुकून आया तुझे। मुझे पता है भाई तुम लोग को भूख लग गई है, पर अभी नहीं मिलेगा क्योंकि इनका टाइम टेबल मैंने चेंज कर दिया। तो दोस्तों इनको तो दाना पानी डाल दिया सारों को, अब ये सुलह सफाई से खा लें, फिर बाद में आकर ना उस कूड़ों वाली मुर्गी को और इनको भी दे देता हूँ। इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, नहीं तो लड़ते ही रहेंगे, ऐसे कर देता हूँ अब रहेंगे सही। चलो ये तुम लोग तो सारे नीचे चल रहे, नीचे चलो खाओ पियो। अब हो गया सारा, अब अपने तोतों की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिर भी इज्जत रास नहीं, अब तुम लोग खुद ही देख लो, ये देख रहे हो ना, तुझे मैं बताता हूँ, इसको ना खोला हुआ है तो ये शोहा हो रहा है, तो शोहा हो रहा है। बताए कि भाई इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो तीन दिन भी हमारे साथ यहाँ पर रहा ना भाई, यहाँ पर इन मुर्गियों के साथ, तो भाई काम कुछ खड़बड़ हो जाना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या करना चाहिए। बाकी यार तुम लोगों में से जितने भी भाइयों ने ना पिछले वीडियो पे कमेंट्स किए थे ना, बस वो गलती होगी एक, ये देखो कोई हाल है इनका, मैं क्या पता नहीं मुर्गा मुझे पड़ गया। चल इसकी छुट्टी होगी, बंद रहेगा ना तो इसको सुकून आ जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि भाई इसने तंग ऐसे नहीं करना हमें। उसको मैं जल्दी से इनको खाना पानी डाल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ बाहर। चुके हैं वो भी खा रहे हैं, और इधर ये भी डल चुके हैं। आ जाओ आ जाओ, ये देखो जिसको रोटी पसंद है वो रोटी खाएगा। तो यार ये कल हमने कंगनी डाली थी, आप सबको पता ही है, इसके छिलके भी मैं सफाई कर देता हूँ, पहले खाना खा लेंगे ये लोग। इसको वो सैड न्यूज दे देते हैं, उधर आ, वो देख अपना, वो तो उधर आ, उसको थोड़ा डरा देते। मोइस इधर आ, इधर आ यार, वो मुर्गा मर गया समीर वाला। हाँ वो मैंने फेंक दिया बाहर रोड़ी पे, सच्ची बात कह रहा हूँ, इधर आ, इधर आ, सच्ची बात। तू क्या, तू खा के क्या आया, अपना मुंह देख क्या हाल किया होगा। सच्ची मर गया मुर्गा, हाँ फिर से लड़ गया। मर गया वो वाला, सारे खुड्डे देखना शुरू कर दिए कहाँ पर है, नहीं है, चल मैं कह रहा हूँ मर गया। ज्यादा तंग नहीं करते हमें इसने यार, भला क्या सैड न्यूज है, हमारी वीडियो नहीं थी जो कल वाली, वो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। क्यों डिलीट किया, कहते तुम लोगों ने ये अच्छा काम नहीं किया, ये यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है। भाई हमारे साथ पता नहीं कौन से दुश्मन थे, चलो कोई नहीं, खैर है, वैसे पूरी इतनी मेहनत लगी थी, इतनी लंबी वीडियो बनाई थी, चल आ जा चलते हैं। भाई गुस्सा आ रहा है यार, ये जो काम हो रहा है, एक तो इतनी लंबी वीडियो बनाई थी कि ऊपर से स्क्रिप्टेड वीडियो थी, इतना टाइम लगा था बनाने में, फिर देख रहे हैं, फिर चलो खाने देते हैं बच्चे।
तीनों जा रहे हैं बर्ड मार्केट और देखते हैं कि भाई कौन सा हमें बर्ड जो है पसंद आता है। वैसे इरादा तो है हमारा डक लेने का, ये बाकी इनको देख लो, ये हमें 10-10 रुपये लेके तो कोई नहीं यार बच्चे हैं। मैं तो बिल्कुल रेडी हो गया हूँ जाने के लिए और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, ठीक है। और मोइस भाई भी बिल्कुल रेडी हुआ है, इसको मैं पहले अपनी तैयारी कर। मोइस ना कर यार, गिरा देगा अभी, रुक जा 2 मिनट के लिए, छोड़ दे, वेट कर 2 मिनट यार। वो पट्ठा है भाई, लाल पट्ठा। सीन भाई ये पीछे वो पट्ठे कैसे लगी भाई, आ जा आ जा। मार्केट घूम लिया और हालत आप लोग हमारी देख सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना वो डक के बच्चे नहीं मिले। देसी डक्स जो होती है ना वो मिली हैं, लेकिन और वो भी भाई इतनी महंगी, तो दूसरी मार्केट जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब होते ही हैं, अब आए हैं तो क्या बोलते हो मोइस, हो आए तो भी आज जलील इतना खबार हो रहे हैं, चल अब घर की तरफ चलते। फ्यू आवर्स लेटर चेक कर रहे हैं, इतनी धूप में हम घूम के आए मार्केट में, तो भाई इतनी गर्मी में हम जलील हो गया। मोइस को जाने का फ़ायदा हुआ है, मैं मोइस को कह भी रहा था कि मोइस रुक गया, 2-2 मार्केट घूम के आए, लेकिन भाई डक के बच्चे जो है हमें नहीं मिले। तो मैंने मोइस को कह के भाई कोई नहीं, तेरी मुर्गी के बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं तुझे क्या करूँगा, कोई और चीज़ मैं तुझे ले दूँगा। या ऐसा करेंगे मोइस, बच्चे लेने से अच्छा है ना हम लोग वो ले, इसके बड़े ही ले लेते हैं, बड़े वाले डक से ले लेंगे, क्या रहा था। तो भाई बच्चे लेने से अच्छा है कि हम बड़े डक से ले, फिर वो भी क्या कहते हैं अंडे वगैरह देंगी, ब्रीड करेंगी, तो काम अच्छा हो जाएगा कि नहीं। डक के छोटे बच्चे के बड़ी डक, बट टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि पैसे जमा करेंगे पहले फिर ही लेके आएंगे। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।